अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज अली ने सैयद सिराज अहमद को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सैयद सिराज अहमद पहली बार सितारगंज पहुंचे, जहां पर उनका लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के मौके पर आज लोगों ने यहाँ जो मुझे सम्मानित किया, क्योंकि मुझे जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अफरोज अली साहब, उन्होंने मुझे पूरे उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये पूरे गर्व की बात है पूरे प्रदेश को कि उसमें ये संगठन आया, क्योंकि ये जो न्यायिक मानव अधिकार संघ जो है ये एक ऐसा राष्ट्रीय अधिकार है जो मैं ये शायद सच कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी तरह का कोई लगाव नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस संगठन में एक सच्चाई है, एक हक है और ये इसलिए है ताकि न्याय के काम हो, सच के काम हो, गरीबों के काम हो, पब्लिक के काम हो, जनता के काम हो। इसलिए पूरे उत्तराखंड को गर्व होना चाहिए ताकि ये एक नई लहर उत्तराखंड में आई है, ये एक ऐसा काम करेगी कि लोग आज तक जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, जिनकी आवाज़ें सुनी नहीं जाती थी, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानव अधिकार जो है आज से इसकी शुरुआत हुई है और मैं इंशाल्लाह ताला हर एक उस शख्स के आवाज़ के साथ आवाज़ दूंगा कि जो पीड़ित होगा, जो परेशान होगा और हर एक जो कि आज जैसे उग्रवाद या आतंकवाद का मामला चल रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक यहाँ का सैनिक है और अपने भारत के लिए हम और हमारा पूरा संगठन और यहाँ का एक एक बाशिंदा अपने पूरे देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देगा। हम आतंकवाद का मजम्मत करते हैं और उसको हर तरह से कोशिश ये करेंगे कि हमारे भारत आतंकवाद से बिल्कुल साफ हो। इसलिए कि जब तक ये बलाएं और बवाएं यहाँ पर रहेंगी, जब तक हमारा देश सरसब्ज़ शादाब नहीं हो सकता है। और मौलाना सैयद मेराज अहमद को यहाँ का पूरा ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है, लिहाजा मैं पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर मीटिंगें करूँगा, गरीबों की सुनूंगा और इंशाअल्लाह ताला हर एक उसके साथ होगा जिसके लिए अन्याय होता होगा। ये हम पूरे उत्तराखंड की आवाज़ है, मैं आप लोगों के साथ हैं, पूरी जनता मेरे साथ है।